नागिन बच्चा चोर भाग टू। ये कहानी शुरू होती है एक जंगल से। उसी जंगल में एक नागिन रहा करती थी। नागिन अपनी शक्ति से पांच बच्चों को कैद करके अपने पास रखा था। मुझे और दो बच्चों को तलाश करना होगा, फिर इन सात बच्चों को मार के सात सिर वाली नागिन बन जाऊंगी, जिसके बाद सभी जानवर और इंसान मुझसे डरेंगे। तुम इन पांच बच्चों का ख्याल रखना, मैं और एक बच्चों को तलाश करने जा रही हूं। नागिन ये कहते हुए वहां से चली जाती है। सांप इन पांच बच्चों को अपने कैद में रखा था। नागिन बच्चे के तलाश में एक कुटिया के पास जाती है। देखती है माँ अपनी बेटी को लेकर खेल रही है। आज कैसे ही करके इस बच्ची को चुराना होगा। नागिन उस औरत के पास जाती है। नागिन को देखकर राधा डर जाती है और अपनी बेटी को लेकर वहां से भागने लगती है। तुम्हारी बेटी मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। नागिन राधा के आगे आ जाती है। ये देखकर राधा डर जाती है। नागिन राधा को कैद कर लेती है, फिर उसे मार देती है। नागिन बच्चे को लेकर जंगल चली जाती है। मुझे सिर्फ और एक बच्चा चाहिए, फिर मैं सात सिर वाली नागिन बन जाऊंगी। अगले दिन नागिन और एक बच्चे की तलाश में निकल जाती है। देखती है पुजारी अपने बेटे को लेकर मंदिर जा रहा है। ये देखकर नागिन खुश हो जाती है। जब पुजारी मंदिर से बाहर आएगा तब मैं पुजारी को मार दूंगी, फिर इस बच्ची को लेकर वहां से भाग जाऊंगी। पुजारी मंदिर से पूजा करके घर जा रहा था, तभी नागिन उसके आगे आ जाती है। तुम्हारे हाथ में जो बच्चा है वो मुझे दे दो, नहीं तो तुम भी उस औरत के जैसे मरोगे। ये बात सुनकर पुजारी गुस्सा हो जाता है। पुजारी नागिन को अपना बच्चा दे देता है। नागिन बच्चे को लेकर वहां से चली जाती है। ये देखते हुए पुजारी नागिन का पीछा करता है। देखता है सात बच्चे उसके कैद में हैं। शाम होने दो, फिर मैं इन सात बच्चों को मार दूंगी। तभी पुजारी प्रकट होता है। ये देखकर नागिन डर जाती है। कौन हो तुम? मैं तुम्हारा मौत हूं। पुजारी अपनी शक्ति से नागिन को मार देता है। सभी बच्चों को आजाद करके अपने साथ ले जाता है।